भरतपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास थड़ी पर चाय पी रहे दो डॉक्टर्स पर गुरुवार रात बदमाशों ने हमला कर दिया। दोनों डॉक्टर्स के सिर में चोटें आई हैं। बदमाश एसयूवी कार से आए थे। डेयरी वाले से सिगरेट मांगने की बात पर उनकी डॉक्टर से मामूली बहस हुई थी। इसके बाद बदमाशों ने पिस्टल से डॉक्टर के पैरों के पास फायरिंग की और लाठी डंडों से हमला कर भाग गए। वारदात गुरुवार रात करीब 9 बजे हुई। मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर रवि चोपड़ा और डॉक्टर नवीन गुर्जर चाय पीने कॉलेज के बाहर चाय की थड़ी पर गए थे। कुछ देर में वहां कार में चार युवक पहुंचे। आरोप है कि चारों शराब के नशे में धुत थे। एक बदमाश ने डॉक्टर रवि से सिगरेट मांगी। डॉक्टर नवीन फोन पर बिजी था। रवि ने सिगरेट के लिए मना किया तो आरोपी उसे उलझ गए। नवीन ने फोन काट कर बीच बचाव किया तो एक आरोपी बोला, तू ज्यादा नेता बन रहा है क्या। इसके बाद आरोपियों ने दोनों डॉक्टर्स के पैरों के पास फायर की और जमकर मारपीट की। डॉक्टर नवीन ने कहा कि हमने बदमाशों को यह भी कहा कि हम डॉक्टर हैं और यहां जॉब करते हैं, लेकिन आरोपी उन पर डंडे बरसाते रहे। दोनों को घायल करने के बाद बदमाश अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। डॉक्टर नवीन ने कहा कि वो लोग कौन थे हम उन्हें नहीं जानते, ना ही उनसे पहले कभी मिलना हुआ। वे मेडिकल कॉलेज के नहीं थे, बाहर के लोग थे। उनमें से जाते समय एक बदमाश ने अपना नाम चंदू देसवाल बताया था और धमकी देकर गया था। घटना में दोनों डॉक्टर लहूलुहान हो गए, जिन्हें इलाज के लिए RBM अस्पताल ले जाया गया। सेवर थाना के SI अमरचंद ने बताया कि घटना के संबंध में पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज किया जाएगा। घायल डॉक्टर के सिर का सिटी स्कैन कराया गया। एक डॉक्टर को टांके भी आए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष बंसल का कहना है कि मामला मेडिकल कॉलेज परिसर से बाहर का और इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। डॉक्टर रवि चोपड़ा रात की जनाना अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट है और डॉक्टर नवीन गुर्जर CSC उज्जैन का मेडिकल ऑफिसर है। डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। चार लड़के आए गाड़ी में, एक UVS सेल करके 834 नंबर की गाड़ी, पीछे का नंबर मुझे याद नहीं है। वो आकर इससे कुछ सिगरेट मांगने लगे। दो डॉक्टरों के साथ मारपीट किए थी। इस सूचना पर अपन हॉस्पिटल आए, यहाँ पर उनके पर्चा बयान और कानून कार्रवाई, पर्चा बयान लेकर कानून कार्रवाई की जा रही है।